ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं थंडर रील वीडियो एडिटिंग, जो कि गाइस आपने Instagram पे देख लिया होगा। तो चलिए गाइस, आप लोग मैं प्रीव्यू भी दिखाई देता हूं। तो गाइस, अब आप लोगों को प्रीव्यू को देखने के बाद समझ आ गया होगा कि हम जो है कौन सी वाली रील एडिट करने वाले हैं। अब गाइस, ये वाली जो रील है गाइस, यहाँ पे हम तीन स्टेप में एडिट करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे जो तीनों स्टेप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं करी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि ये वाली जो वीडियो हम तीन स्टेप में एडिट करेंगे, तो गाइस पहला स्टेप जो है गाइस आप लोगों को करना है क्या, गाइस आप लोगों को अपनी वीडियोस को जो अपनी वीडियो को जो है शूट कर लेना है। मतलब यहाँ पे मैंने जो है तीन चार तरीके से अपने तीन चार शॉट में वीडियो को पूरा कंप्लीट किया है। जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरी तीन चार वीडियो प्ले हो रही है एक साथ, तो ये वीडियो मैंने यहाँ पे मतलब कि जाके शूट कर लिया था। तो आप लोग भी इसको पहले शूट कर लेना, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करना। तो सबसे पहला तो हमारा यहाँ पे जो स्टेप यहाँ पे खत्म होता, तो चलते हैं एडिटिंग प्रोसेस पे। जो तो गाइस, अब आप सभी को करना है गाइस, अब जो है हमारा मेन प्रोसेस जो कि एडिटिंग का आपको करना है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आपको वीपीएन वगैरह कनेक्ट करके आपको जो है कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, जो जो आपने वीडियो यहाँ पे शूट करी है उन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस, यहाँ पे मैंने चार पाँच एंगल में मैंने ली थी वीडियो, ठीक है, अलग अलग एंगल में। तो मैं यहाँ पे मैं जो इनको ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए, ऐड करने के बाद जो हमारा मेन प्रोसेस है जो कि है गाइस, हमारे यहाँ पे पहले ऑडियो ऐड करना होता है, क्योंकि गाइस ऑडियो के हिसाब से ही हम जो है वीडियो का एडिट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑडियो का ऐड करेंगे, बट यहाँ पे जो है ऑडियो पर जाएंगे, यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एंड ऐसे गाइस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आपको सभी का लिंक मिल जाएगा वैसे तो, बाकी आपको यहाँ पे ऑडियो के हिसाब से आपको वीडियो को रखना है। तो यहाँ पे गाइस पहला जो शॉट है मेरा, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है, एक एक दो दो सेकंड का रखूँगा मैं, जो जो मैंने एंगल लिए सब में से एक एक दो दो सेकंड के। तो जैसे गाइस मेरा जो फर्स्ट शॉट था मैंने इसका ही ले लिया। अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पे, मेरे पास हेडफोन तो नहीं था, तो यहाँ पे मैंने क्या कराया कि मैंने हेडफोन की जगह मैंने यहाँ पे मेरे पे एयरबड्स तो मैंने इनका यूज़ किया है। एंड बाकी गाइस, अगर कहीं कहीं भी वीडियो अगर आपकी स्लो होगी तो आप उसको स्लो फास्ट भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लो फास्ट भी किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने मेन चीज़ रखी, मैंने ज़्यादा वो कोई मतलब भसड़ नहीं रखी है फालतू की। एंड बाकी अगर कहीं जहाँ पे वीडियो अगर मेरी ज़्यादा लंबी हो गई, तो वहाँ पे मैंने वीडियो का जो है स्पीड बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा तीसरा जो है हमारा यहाँ पे ये वाली वीडियो, अब इसका भी जो है हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि म्यूजिक के हिसाब से हमें रखना है, एंड म्यूजिक से बाहर हमें नहीं जाना है, ठीक है। तब हम जो है स्पीड वगैरह भी हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको करना है क्या गाइस, यहाँ पे अब देखिए, जैसे आपकी जो ये वाली जो गाइस आपकी फोर्थ वाली वीडियो की, जिसमें गाइस आपने एंगल जो है मतलब कि जहाँ से आपने म्यूजिक सुनना स्टार्ट किया होगा, वहाँ से आप लोगों को जो है ये फोटोज़ को लेना है, ठीक है। मतलब ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, सारे म्यूजिक के स्क्रीनशॉट्स हैं जो थंबनेल पे कहते हैं जिन्हें, वो है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐड करना है, ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस एनिमेशन लगाने गाइस जिनमें, ठीक है। तो पहले सभी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। बस गाइस आप लोग इतना ध्यान रखना कि आपके जितने भी स्क्रीनशॉट्स होंगे वो बस आपके जो एक स्क्रीनशॉट से पहले जो मतलब कि आगे एक एक सेकंड आगे हो गाइस, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे मैंने एक एक सेकंड आगे रख रखा है सबको, ठीक है। बस उसी के हिसाब से आपको जो यहाँ पे फोटोज़ को जो है मतलब जो जो आपने फोटो ऐड किया उन सबको जो यहाँ पे क्रॉप कर देना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे स्प्लिट कर देना है, यानी स्प्लिट भी कर सकते हो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद एनिमेशन में जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद जो है मतलब कि यहाँ पे पहले इनका साइज़ छोटा कर लेना है अपने अपने बॉडी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम आपकी बॉडी भी विजिबल हो जाए एंड ये फोटो भी विजिबल हो जाए, ठीक है, इस तरीके से दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे छोटा छोटा करके यहाँ पे साइड में रख देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, जहाँ पे मैं भी दिख जाऊँ और यहाँ पे ये फोटोज भी दिख जाए, ठीक है। एकदम मतलब कि एकदम रियलिस्टिक वाला फील देना है इस फोटो वीडियोज़ में, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया गाइस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे, आउट में जाएंगे, आउट में जाने के बाद स्लाइड लेफ्ट वाले पे लेना है गाइस, ठीक है। आपको सभी में यही वाले जो है अप्लाई करना है, ठीक है, सभी में जितने फोटो हमने ऐड किए थे, तो यहाँ पे हम वही सेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है, क्योंकि मैंने वीडियो जब बनाई थी तो 30-40 मिनट की बनी थी कम से कम, मैंने कट फिट करके गाइस आप लोगों के लिए जो है 10-12 मिनट की वीडियो बनाई है। तो अब यहाँ पे इतना हो चुका है हमारा। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको करना है क्या गाइस, यहाँ पे अब यहाँ पे जाना है ऐड वीडियो में दोबारा से, एंड यहाँ पे आपको एक ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसमें गाइस आप लोगों को जाना है क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को इसको क्रॉप करना, जो म्यूजिक वाला जो ऑप्शन है जहाँ से म्यूजिक प्ले होता है गाइस, वहाँ तक का आपको जो है पार्ट रखना है, ठीक है। जब आप क्रॉप करोगे तो गाइस एक बार ही में नहीं होगा, तो आपको डन करके फिर दोबारा क्रॉप में चले जाना है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब आप यहाँ पे करना क्या है गाइस, आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है। ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद यहाँ पे लाइट या स्क्रीन रख देना है, एंड उसके बाद गाइस ये अच्छे से गायब नहीं होगा, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आपको करना है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना है। एडजस्टमेंट में जाने के बाद यहाँ पे पहले ब्राइटनेस को कम करना है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट लेना, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, फिर वो गायब हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे
तो यहाँ पे जितना हमारा जो हमने फोटोज ऐड करी, जितने हमने फोटोज को ऐड करा उतना ही टाइम तक इसको रखना है, बाकी का जो पार्ट इसको डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको करना है क्या है, जो बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट होगा उनको यहाँ पे कट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। अब गाइस देखिए आगे का प्रोसेस आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे गाइस इतना हो जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे जो आगे की वीडियो होगी जिसमें गाइस आपको थंडर इफेक्ट लगाना है, उसमें पहले सबसे पहले आपको स्काई को चेंज करना है। तब गाइस स्काई के मैं ये वाला स्काई यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कोई और स्काई थंडर वाला स्काई यूज़ करना है या कुछ भी यूज़ करना है दूसरे तरीके का तो सब दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो जोन सा आपको बेस्ट लगे वो आप ऐड कर लेना। गाइस यहाँ पे मेरे को गाइस ज़्यादा इतना वो नहीं दिखाना था फोटो वीडियो को, तो मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्काई रखा ये वाला। तो बाकी हम इसको ऐड करके यहाँ पे जो है स्मूथ कर देंगे, बाकी जो है यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे दोबारा से वहीं पर रखेंगे, यहाँ पे दोबारा जाएंगे यहाँ पे ऐड वीडियो में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा जो दूसरा वीडियो था जो हमने लास्ट में ऐड किया था उसी को ऐड करके यहाँ पे कटआउट निकाल देंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने कटआउट निकाल दिया। अब गाइस देखिए आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो अब जो है गाइस यहाँ पे देखिए हमारी जो है वीडियो जहाँ पे हम मतलब कि यहाँ पे ऐसे डाउन हो रहे होंगे जहाँ पे इस तरीके से, वहाँ पे हमें जो है थंडर इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे थंडर इफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले ऑडियो को कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कितना हो चुका है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे प्ले करके चेक करना भी यार बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वीडियो अगर कहीं भी इधर उधर हुई तो यार सारा मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं देख देख के कर रहा हूँ, तो अभी देखिए गाइस यहाँ पे हो गया है। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं थंडर इफेक्ट लगाना, तो जहाँ से मेरे को लगाना वहाँ पे वीडियो को जो है स्टॉप करूँगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा थंडर इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे वीडियो को स्टॉप कर दूंगा मैं, अब यहाँ पे ऐड ओवरले पे जाएंगे एंड यहाँ से तो ये थंडर इफेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन लाइट एंड जो मर्जी रखना चाहो रख देना, ठीक है। बाकी इसको हम रोटेट कर लेंगे इस तरीके से एंड इसका साइज़ जो है बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको हम इस तरीके से रखेंगे और जो है अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी इतना रख दिया मैंने यहाँ पे एंड इसको मैं ज़ूम कर लूँगा और ज़्यादा, ठीक है। तो इतना हो चुका है एंड यहाँ पे मैं बीच में रखूँगा इसको, क्योंकि नीचे मेरा हाथ जो है ज़्यादा नीचे तक आ चुका था, तो इसलिए मैं थोड़ा नीचे की साइड में रखूँगा एंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा वहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे गाइस देखिए मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, यानी लीनियर वाला लेंगे एंड उसके बाद जो है हम इसको जहाँ से मतलब कि जहाँ पे हमारा हिट होगा वहाँ पर रखेंगे एंड इसको हल्का सा स्मूथ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको अभी जो एडजस्टमेंट करेंगे हम अभी, ठीक है, यहाँ तक है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, अब आप चाहो तो उसकी कॉपी भी बना सकते हो या फिर आप इसको दोबारा से भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इतना हो चुका है हमारा, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अगर आप इसको कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, अगर कट करोगे तो गाइस पूरा डिलीट हो रहा था ये, तो इसलिए मैंने क्या करा इसको यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। बाद में मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया इसलिए क्योंकि मेरे को जो है मतलब कि यहाँ पे इसको मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसको एडिट कर लूँगा एक बार तो बाद में एक्सपोर्ट करके मैं बाद में कट करके भी हटा सकता हूँ उसको, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा था कि मैंने इसको वैसा ही छोड़ दिया था, ठीक है, यहाँ पे अंडो कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंडो कर दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया क्योंकि मैं बाद में इसको एक्सपोर्ट करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैंने इसका एक्सपोर्ट किया था, तो अब यहाँ पे जो है कॉपी जो थी इसकी मैंने इसको आगे की तरफ ले आया, ठीक है। तो कॉपी जो है इसकी कैसे आएगी जी कि यहाँ पे प्रेस करोगे नीचे की साइड में लाओगे और नीचे की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो तब जाएगा ये नीचे, ठीक है, वरना वैसे आप साइड में स्लाइड करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, नीचे करके फिर लाना। अब इतना हो जाने के बाद गए जी कि यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जो है इस मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे, अगर आप चाहो तो उसके इन्वर्ट भी कर सकते हो एंड रोटेट करके भी आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा चाहिए हमें, तो नीचे वाला हिस्से के लिए हम कुछ इस टाइप से रखेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है ये हमारा इफेक्ट इस तरीके से होगा। अब गाइस मतलब ये है कि यहाँ पे जो इफेक्ट है हमारा विजिबल तो हो रहा है बट यहाँ पे जो है बीच में जो एजेस वगैरह ना वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने उसका भी जुगाड़ बना दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे इतना हो चुका है। अब देखिए कैसे यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए वीडियो को आपको स्टॉप करना है पहले, जहाँ से इफेक्ट स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको वीडियो को स्टॉप करना है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे स्टॉप करता हूँ जहाँ पे मेरे को वीडियो को स्टार्ट करना है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐड वीडियो में जाएंगे एंड फोटोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाएगा ब्लू लाइट का। तो आपको सिंपली करना क्या है, पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड यहाँ पे जो आपको इसको स्क्रीन कर देना है या लाइटन कर देना है, फिर गाइस यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। एंड जहाँ पे आपको थंडर इफेक्ट आपको हिट हो रहा है वहाँ पे आपको इस तरीके से रख देना है एंड उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है यहाँ पे इसका जो ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है इस तरीके से गाइस, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, सेम चीज़ यही करना है। यहाँ पे गाइस कॉपी करके भी हम कर सकते थे बट गाइस कॉपी करने से क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो है ये स्लाइड नहीं हो पा रहा था अच्छे से, मतलब कि कोई लेयर अगर इधर उधर हो जाए तो गाइस बहुत दिक्कत आ जाती, इसलिए गाइस मैंने दोबारा से इसको ऐड कर लिया था, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगे कि यहाँ पे मतलब लेयर को इधर उधर करने से कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसी फोटो को ओवरले से जाकर दोबारा से ऐड कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि गाइस वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कि कैसी लग रही है वीडियो, तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इस टाइप से वीडियो लग रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना तक है तो
तो बाकी का पार्ट मैं डिलीट भी कर सकता था, बट मैं यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि वो एजेस वगैरह उसके शो हो रहे थे। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हमने इसका एक्सपोर्ट कर लिया, तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट गाइस। आपने स्टार्टिंग में भी देखी होगी वीडियो में, तो ये हमने बनाया है फाइनल। Again.